हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दिन के 2 बजे से। तो अभी हम जा रहे हैं रामपुर। आपको पता है आजकल है फाग मेला। तो आज जो है गाइस, आज जो है रामपुर बुशहर फाग मेले में महानाटी लगने वाली है, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ी देर में पहुँचेंगे हम, और उसमें जो है लगभग रामपुर बुशहर के अंदर जो है 70 के आसपास जो है महिला मंडल को इनवाइट किया गया है उस नाटी के लिए। बहुत ही अविस्मरणीय पल होने वाला है वो हम बुशहरियन के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं दलाई लोगली के साथ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, शायद महानाटी जो है वो सुनने में आ रहा है कि शुरू हो चुकी है, लेकिन चलो हम जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं रामपुर शहर में। ओके, तो गाइज हम पहुंच चुके हैं खोपड़ी मंदिर। तो गाइज ये आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त ट्रैफिक जाम, जो कि फाग मेले में आम बात है। तो हमने गाड़ी जो है पीछे ब्लॉक के साथ पार्क करके अब मैं जा रहा हूँ पैदल। बाकी जो है मेरे फैमिली जो है वो आगे चले गए हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने। तो गाइज मैं पहुंचने वाला हूं राज दरबार में। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बहुत इंटरेस्टिंग जो नाटी है वो मैंने इसमें शेयर की है गाइज, तो आप इसका एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं अंदर। गाइज मुझे अभी पता चला है कि जो महानाटी है वो तो ख़त्म हो चुकी है, हम लोग लेट हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं और जो नाटियाँ लगती हैं यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के साथ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए आप गाइस, क्राउड देखिए आप, बहुत ज़्यादा। गाइज ये देखिए नाटी की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए कुल्लूवी नाटी, देखिए आप बहुत ही खूबसूरत जो वेशभूषा है उसमें सभी लोग जो है बहुत ही सुंदर नाटी लगाते हुए। ये देखिए Thank you.
गाइस ये देखिए एक दादाजी का डांस बहुत ही सुंदर जबरदस्त। गाइस ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति जो हमारे वाद्य यंत्र है। ये देखिए सामने है दत्ता साहब जी और देखिए ये बहुत ही पौराणिक जो हमारी संस्कृति है उसे संजोए हुए हैं ये लोग। और देखिए बहुत ही आकर्षक आप वाद्य यंत्रों की जो तो बहुत ही मन को मोह लेने वाली जो धुन है उसे आप सुन सकते हैं। इसी चीज के लिए जो है गाइस ये जो हमारा फाग मेला है रामपुर बुशहर का, ये माना जाता है हमारी संस्कृति के लिए, हमारी वेशभूषा के लिए और हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारी देव भूमि है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये फाग मेला हमारा हर साल इसी तरह से संपन्न होता है और शुरू होता है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लोग जो है गाइस ये सब देखने के लिए जो है फाग मेले में आते हैं अपने अपने देवताओं के साथ अपनी वेशभूषाओं में। तो गाइस ये आप देख सकते हैं महिलाओं को की वेशभूषा जो पट्टू है गाइस, इसे पट्टू कहा जाता है जो पहना हुआ है, और दाटू है, और इनकी ज्वेलरी देख सकते हैं गाइस, हाथ में वाइट रुमाल, बहुत ही खूबसूरत जो नाटी है बहुत ही मन को मोह लेने वाली। और इसके पीछे भी आप देख सकते हैं दूसरी रो में, यहाँ भी जो है साथ साथ सेकेंड रो में नाटी है, एक और थर्ड रो, तीन रो में जो है नाटी लगी है गाइस, बहुत ही आकर्षक। गाइस आप देख रहे हैं ढीली नाटी फ्रॉम रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला हिमाचल प्रदेश इंडिया से। और ये जो मेला है गाइस ये मनाया जाता है 8 से 11 मार्च तक हर साल। तो देखिए आप भी आप देख सकते हैं गाइस हमारे जो वाद्य यंत्र हैं इस तरह से बजाए जाते हैं, ये भी एक कला है गाइस। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है गाइस उन्हें भी जो है संजोए रखना है, इसे सीखना
जरूरी है गाइस। तो ये देखिए गाइस, पौराणिक नृत्य किया जा रहा है जो कि बहुत पुराने समय में किया जाता था और तलवारबाजी की जाती थी। और तो देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं गाइस, पदम पैलेस रामपुर बुशहर। गाइस आप देख सकते हैं पूरे जो दरबार का व्यू है, थोड़ा ऊपर जाके मैंने शूट किया है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए नाटी, बहुत ही सुंदर, लोग एंजॉय कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे काशवी और उसकी मम्मा बैठी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं उनकी वीडियो बना रहा हूँ। लोगों का हजूम आप देख सकते हैं, इतने सारे लोग ही लोग इधर उधर जाए, लोग ही लोग आए। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं काशवी रानी के साथ मोड़ी। तो गाइस वापस जाते जाते सामने एक छोटा सा जो है बच्चों के लिए डोल लगाया गया था, तो काशवी जिद कर रही थी कि मैंने डोल में बैठना है। तो गाइस ये देखिए काशवी बैठ चुकी है।
तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अब इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग चले गए थे घर। आई होप आपने मेरे वीडियो को एंजॉय किया होगा। और तो मिलेंगे गाइस एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, बाय। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।